सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? एज यू कैन सी आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रॉयल इनफील्ड। तो टुडे आई विल बी रिव्यूइंग वन रॉयल इनफील्ड बाइक एंड दैट इज हंटर 350। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन वन मंथ ऑफ इट्स लॉन्च, बट इट वॉज नॉट अवेलेबल इन देहरादून। तो अभी अवेलेबल हुई है एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स चेक इट आउट गाइस की इज दिस अ रियल हंटर एंड विल बी हंटिंग अदर बाइक्स और द नेम हंटर विल बी गेटिंग लॉस्ट इन द क्राउड। सो गाइज, वेन वी लुक इट फ्रॉम द साइड इट फील्स टू मच कॉम्पैक्ट। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट होने वाली है एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट एंड लाइटेस्ट मोटरसाइकिल इन रॉयल इनफील्ड पोर्टफोलियो। जब इसको मिट्योर या फिर क्लासिक 350 से कंपेयर करें तो मतलब उसके सामने काफ़ी छोटी लग रही है। तो जो यार इसका जो व्हील बेस है इट्स 20 mm लेस देन क्लासिक 350 और बाइक का वेट है वो है 181 kg और जो सीट की हाइट है 790 mm। तो इफ़ योर हाइट इज शॉर्ट तो आपके लिए आसानी होने वाली है और बारिश भी आने वाली है यार। एंड जब यार इसको फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट में काफ़ी मुझे स्लीक फील हो रहा है। इसकी जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होने वाली है वो TVS रॉनिन ही होगी। लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्पेसिफिकेशन। इसमें मिलता है हैलोजन हेडलैम्प, LED नहीं दी गई है, बट मेरा प्रेफरेंस ऐसा कोई नहीं है कि LED ज़्यादा बढ़िया रहती है क्योंकि जो रॉयल इनफील्ड का हैलोजन है वो काफ़ी पावरफुल है। मी देन आई एम यूजिंग दीज हैलोजन बल्ब्स इन माई बाइक फ्रॉम लास्ट 6 years, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है उनमें। तो मतलब यार LED कांट बी एनी गेम चेंजर फॉर एनी बाइक। हैलोजन सही है, मतलब इतना बड़ा वो नहीं क्रिएट करता है कोई। और बात करें यार इंडिकेटर की, तो इसके इंडिकेटर काफ़ी सही लग रहे हैं मुझे। जो इसका रेट्रो वर्जन है उसमें मिलता है हिमालयन टाइप इंडिकेटर, जो छोटे छोटे हैं वो मुझे ज़्यादा सही नहीं लगते। मे बी किसी को अच्छे लगते हैं, बट दिस इज़ फाइन। थोड़ा सा नीचे तो इसमें मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा रिफ्लेक्टर दे दिया है। बात करते हैं यार इसके ये वाले सेक्शन की, तो यार मतलब यहाँ पर काफ़ी ना बल्की लुक आ रहा है, काफ़ी भरा भरा लुक आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 300 mm डिस्क प्लेट विच इज़ कवरिंग हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट व्हील। तो यार गाइस इसमें मिलता है एलॉय व्हील और जो इसका रेट्रो वर्जन है उसमें मिलता है स्पोक व्हील। तो यार ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है यार, क्योंकि एलॉय तो आज की डेट में मतलब कॉमन ही है। एंड मडगार्ड की बात करें तो यार प्लास्टिक एंड आयरन। तो यार एक्सेप्ट दैट फ्यूल टैंक एवरीथिंग इज प्लास्टिक, जिसकी वजह से वेट कम हुआ है। बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो यार इसमें मिलता है डुअल चैनल ABS विद 300 mm डिस्क प्लेट इन फ्रंट एंड 270 mm डिस्क प्लेट बैक साइड में। एंड जो उनका सेक्शन है वो है 117-70-17, तो 17 इंचेस का इसमें मिलता है। और विड्थ दिखा देता हूँ मैं, विड्थ भी काफ़ी चौड़ी है, मतलब मुझे तो ज़्यादा ही लग रही है यार। तो इससे कोई शिकायत नहीं है भाई, आगे का ये वाला सेक्शन काफ़ी सही है, परफेक्ट है। अब थोड़ा सा साइड में चलते हैं और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें मिलता है यार 350 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एंड 27 nm का टॉर्क। और बात करें अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यार इसमें 150 mm मिलता है, जो कि यार सिटी के लिए इट्स फाइन। एंड लिटिल अगर रोड थोड़ा सा ख़राब है देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट इफ़ यू आर एन हार्ड कोर ऑफ रोडर then it will be getting difficult for this bike to do. See, इसका देने का रीज़न क्या होता है कि जैसे अब जब आप लोग ऑफ रोडिंग करते हैं ना, तो पैर में कीचड़ लग जाता है। कीचड़ लगने की वजह से जो वैसे वाले रहते हैं उसमें पिसलता है पैर, बट इसमें क्या है यहाँ पर थोड़े एजेस दे रखे हैं जिसकी वजह से पैर पिसलता नहीं है, और ये फुट पैक्स दे रखे हैं। एंड लाओ लेट्स मूव ऑन टू फेवरेट पार्ट ऑफ दिस बाइक, दैट इज़ साइलेंसर बाई एग्जॉस्ट साउंड इज़ लाइक When you will revving the bike, then it will be bringing a little charm on your face. क्योंकि यार इसमें काफ़ी अच्छा थम दिया है, तो अभी मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड भी सुना दूंगा। लेट्स कम्प्लीट द वॉक अराउंड, देन जो साइलेंसर है वो थोड़ा सा अप कर रखा है, जैसे कि क्लासिक और मेट्योर में स्ट्रेट आता है, इसमें थोड़ा अप कर रखा है हिमालयन की तरह, बट हिमालयन का जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसमें पीछे मिलता है यार ये डिस्क प्लेट, और जो टायर सेक्शन है पीछे का यार वो है 140-70-17, तो विड्थ में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, काफ़ी विड्थ है पीछे टायर की। सेम इंडिकेटर मैंने बता दिया, बट पीछे इसमें LED दिया है, फ्रंट में नहीं दिया LED। तो अब बात करते हैं यार इसकी सीट की, तो कुशनिंग तो यार वो बैठने के बाद पता लगेगी, बट जो सेक्शन इसका डिवाइड करा हुआ है ना बाय स्टिचिंग, दे हैव डिवाइडेड द सेक्शन, तो जो पिलियन है उसके लिए काफ़ी छोटी स्पेस दे रखी है, बट फॉर राइडर देर इज़ एम्पल ऑफ स्पेस सो यू कैन ईजली राइड। तो जो ये फ्यूल टैंक है इसकी कैपेसिटी है 13 liter, जो कि नॉर्मली आती है। अब लेट्स टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यार इसमें मिलता है एनालॉग मीटर, जो कि शो करता है भाई अपना टाइम हो गया, गियर हो गया, कितना किलोमीटर चली है, फ्यूल मीटर दे दिया है, भाई जो नॉर्मल आज की डेट में सब बाइकों में रहता है, बट जो इन्होंने एक स्मॉल टच बाइक को दिया है एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट फॉर दैट इज़ दिस USB चार्जर।
अगर इसमें दिख रहा होगा तो ये विच दे हैव कवर्ड विद अ रबर सो दैट वाटर कैन एंटर। और जो मिरर है यार मिरर नॉर्मल मिलते हैं। और अब मेन जो होता है यार एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। तो यार ये एग्जॉस्ट साउंड देखो यार एग्जॉस्ट साउंड मतलब यार थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ भाई तुम रॉयल इनफील्ड की बाइक चला रहे हो। तो रॉयल इनफील्ड ने ये काफ़ी सही थंब दे रखा है। एक बार हॉर्न भी सुना देता हूँ यार। तो गाइज यार ये था इसका वॉक अराउंड। लेट्स जंप ऑन दी बाइक एंड गो फॉर अ स्मॉल राइड। सो यार गाइज बैठने के बाद फील बताता हूँ। तो इसमें क्या है यार इन क्लासिक 350 एंड मेटियोर यू यूज टू सिट थोड़ा सा स्ट्रेट, बट इसमें थोड़ा सा यू हैव टू लीन, नॉट दैट मच, एंड देन पोजीशन बन रही है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ रिलैक्स इसमें भी हो रहा है, वो तो लॉन्ग राइड में पता चलता है कि कितना रिलैक्स हो रहा है। इंडिकेटर जल रहा है एंड वार्निंग्स दिखा देता है। एंड बात करूँ यार इसकी विजिबिलिटी तो इंस्ट्रूमेंट पूरा अच्छे से दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा, एनालॉग मीटर एकदम बढ़िया से दिख रहा है, स्पीड आपको पता लग जाएगी। एंड जो बात करूँ यार अगर मैं इसके फुट पैक्स की तो दे आर प्लेस लिटिल बिट बैक साइड टू गिव द स्पोर्टीनेस वाला फील, स्पोर्ट्स बाइक वाला फील। तो लेट्स स्टार्ट द बाइक। तो यार एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी सही है। तो गाइस डालते हैं फर्स्ट गियर। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका क्लच की बात। तो जैसे ही मैंने क्लच दबाया ना तो इट्स नॉट दैट मच लाइट और दैट मच हार्ड, तो एवरेज एवरेज है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा ढीला है। तो मतलब थोड़ा सा तो मुझे प्रेशर डालना पड़ रहा है, बट इतना भी स्मूथ नहीं है क्लच यार जितना देखा जाए ना। अब डालते हैं यार देखो फर्स्ट गियर पे, एंड फर्स्ट गियर पे देखते हैं कितना जाती है। ये 45 यार फर्स्ट गियर। तो भी मैं चेक करूंगा कि कितने टाइम में गियर मांग रही है मतलब गाड़ी ना। तो अगेन वी विल कीप इन फर्स्ट गियर। ये प्रॉपर टेस्ट करने वाला हूँ मतलब एक यार कि कितना रेशियो है क्या चीज़ है मतलब फर्स्ट गियर के बाद। तो दिस इज़ फर्स्ट गियर 45 तक इट्स गोइंग। तो मतलब यार थोड़ा सा इट्स गिविंग पंचीनेस, तो पंचीनेस तो है भाई बाइक में। बात हो गई एनालॉग मीटर की, क्लच की। अब गियर रेशियो मैंने बता दिया है कि यार मतलब 45 पे इसका फर्स्ट गियर जा रहा है, तो मतलब यार फाइन है। थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा पंची लग रही है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350 एंड मेटियोर से थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कंपनी इज़ क्लेमिंग कि दे हैव ट्यून्ड इट इन अ थोड़ा सा डिफरेंट वे में ट्यून कर रखा है। तो पोजीशन में ऐसा कोई मुझे बैठने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, मीटर देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी तक, तो कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है बाइक में। एंड आगे का यार पीछे पहले कोई है तो नहीं, आगे का शॉकर तो पूरा सही से मतलब, पीछे का तो आई कांट टेस्ट हेयर बिकॉज ये प्लेन रोड है, तो प्लेन रोड में पीछे का शॉकर नहीं टेस्ट कर सकते हैं, वो तो ऑफ रोडिंग जब जाते हैं। बट आगे का जब मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो ईजिली वो पूरा नीचे जाके एकदम मतलब इतना फील नहीं हो रहा है झटके का। और ABS को अभी टेस्ट करेंगे इसका, थोड़ा सा खाली रोड मिल जाए 60 किलोमीटर की स्पीड पे पूरा ब्रेक मार के देखूंगा। देखो 60 पे पूरा अप्लाई करके देखूंगा भाई, पूरा एकदम रुक रही है यार। ABS इज परफेक्टली वर्किंग, एक बार भी गाड़ी का टायर स्किट नहीं कर रहा है। बात हो गई यार इसके सस्पेंशन की, मीटर की, मीटर की विजिबिलिटी सही है। अब चलते हैं 80 पे और चेक करते हैं यार वाइब्रेशन कितना है। ओ भाई साउंड तो यार काफ़ी सही साउंड है, और 80 की स्पीड है, वाइब्रेशन इज लाइक कुछ भी नहीं है यार वाइब्रेशन। तो बिग थम्स अप टू रॉयल इनफील्ड भाई, वाइब्रेशन इन्होंने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि इसका शीशा जो है ना भाई, ये रियर व्यू मिरर, ये भाई हिलता ही रहता था, मतलब अगर आप 80 के पार जाओगे ना तो हिलता ही रहेगा ये। थोड़ा हल्की बाइक है क्लासिक 350 से, भले ही पावर सेम है बट थोड़ा सा 1920 का फ़र्क हो रहा है, 1920 का फ़र्क लग रहा है मुझे, इतना फ़र्क नहीं लग रहा है। बट यार जो साउंड है ना काफ़ी सही आ रही है भाई। और जो मैं बात करूँ यार सिटिंग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है बैठने में ना यार, कुशनिंग इज़ फाइन। बहुत ज़्यादा पंची होने मतलब पंचीनेस इन अ सेंस की यार काफ़ी वो होने वाली है पावरफुल, बट यार जो उसका इंजन है थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, वो भी जब आप सेकंड गियर मार रहे हो ना तब थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ थोड़ी पावर आई बाइक में, बट उससे पहले तो यार नॉर्मली चल रहा है। ऐसा विजिबिलिटी है, लाइट तो यार ये डे टाइम है इसलिए चेक नहीं कर सकते हैं। वाइब्रेशन मैंने मिरर के बता दिए हैं,
गियर पीछे का ब्रेक एंड ब्रेकिंग टेस्ट एक बार मैंने करके बता दिया आपको, तो एकदम बिल्कुल स्पीड, ये जो सुई होता है ना एनालॉग, ये थोड़ी देर बाद आता है, बाइक पहले रुक जाती है, ये थोड़ी सी देर में आता है। सो यार गाइस, अब आते हैं कंक्लूजन पे इसकी। यार बात आती है किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए, तो यार अगर आप डेली अप डाउन करते हैं, सिटी राइड ज़्यादा है आपकी, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस मतलब डेली जाते हो, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि भाई जो इसकी हैंडलिंग है काफ़ी इजी है लाइट वेट होने की वजह से, तो ट्रैफिक में इजीली कम्यूट कर सकते हो आप। बट अगर आप एक ट्रैवलर हो, लॉन्ग राइड्स लॉन्ग जर्नी करते रहते हो, देन रॉयल इनफील्ड हैव ऑलरेडी मोर ऑप्शन की, जैसे कि हिमालयन हो गई, बट वो आपका मन है कि यार आप लेना चाहो नहीं लेना चाहो, मे देन मेरा एक सजेशन था बस, बाकी बाइक इज़ फाइन। तो गाइज यार अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो जो इसका रेट्रो वर्जन है वो है 1.49 लैक्स का, बेस मॉडल है जो कि मेट्रो वर्जन जो कि खड़ा है ये जाता है भाई 1.69 लैक्स तक। तो गाइज यार ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू ब्लॉग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।